हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TCS के शेयर पे। फ्रेंड्स, स्टॉक की क्या कुछ अपडेट निकल के हमारे सामने आ रही है और अब कैसा मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो अपडेट समझते हैं, फिर हम चार्ट पे बात करेंगे। यहाँ हम अपडेट पे आ गए। यहाँ पे बताया गया है TCS शेयर धारकों के लिए गुड न्यूज़, कंपनी आज करेगी डिविडेंड का ऐलान, यह है रिकॉर्ड डेट। तो भाई डेट आप देख सकते हो 11 जुलाई 2024 की ये अपडेट है। अब समझते हैं कि डिविडेंड डेट क्या इन्होंने अनाउंस की है। भाई यहाँ पे बताया गया है फाइनल ईयर 2024 और 2025 का जो डिविडेंड है उसका ऐलान करेगी। यहाँ पे जो आज बैठक होने जा रही है वो ये क्वार्टरली रिजल्ट भी यहाँ पे बताने वाले हैं। अब डिविडेंड की डेट भी देख लेते हैं कि डेट क्या है। यहाँ पे डिविडेंड की डेट बताई जा रही है, जो अंतरिम डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई को निर्धारित किया है। ऐसे में 20 जुलाई तक सदस्यों की रजिस्टर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज मालिकों को डिविडेंड का लाभ मिलेगा। मतलब इस डेट तक जिसका भी वो होगा ना भाई, इस इन्वेस्टमेंट होगी वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उन्हीं सदस्यों को ये डिविडेंड मिलेगा। अगर आप इससे पहले, अगर एक दिन पहले भी अगर आप बाई कर लेते हो तो भी आपको ये डिविडेंड मिलेगा, और एक दिन पहले अगर आप सेल कर देते हो तो आपको डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी इन्होंने कुछ बताया है। इसके अलावा कंपनी फाइलिंग में आगे कहा कि 30 जुलाई 2024 को समाप्त तिहाई के लिए भारतीय लेखा मापदंडों के तहत कंपनी के ऑडिट किए गए स्टैंडर्ड अलोन वित्त परिणाम को मंजूरी दे दी जाएगी, रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे 30 जुलाई 2024 को समाप्त तिहाई। यहाँ पे भाई डेट अभी कुछ बताई नहीं है, आगे शायद नहीं, डेट इन्होंने नहीं बताई है आई थिंक कि रिजल्ट कब आएंगे। ओनली यहाँ पे डिविडेंड की डेट बताई है, डिविडेंड की डेट है यहाँ पे 20 जुलाई। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। अब चलते हैं चार्ट पे। फिलहाल हम चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था 40,114 पे, तो यहाँ से स्टॉक ने करेक्शन दिखाई और जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकडाउन कर दिया है। तो भाई अब नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 3877 का। अगर इसका भी ब्रेकडाउन कर देती है तो सेकंड सपोर्ट रहेगा 3767 का, और उसके बाद 3646 तक ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पे अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 40,114 का ही टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट कर देगा तो फिर काफ़ी अच्छे ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि भाई जब ये डिविडेंट देंगे तब स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल तो अभी थोड़ा प्रेशर है, हाँ डिविडेंट डेट के आसपास थोड़ी पॉजिटिव माहौल आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।